एक दिन उपवन में भ्रमण करते करते महादेव एवं माता पार्वती सनत कुमारों के आश्रम तक पहुंच गए। माता पार्वती प्रणाम। ये क्या सनत कुमार, मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ और तुमने मेरा अभिवादन भी नहीं किया। महादेव, क्या चाहते हैं आप? कौन आपको प्रणाम करे? मेरा शरीर अथवा मेरी आत्मा? मेरा ये शरीर तो मिथ्या है, नश्वर है, इसका एक ना एक दिवस तो अंत होना अनिवार्य है, इसलिए इसका कोई महत्व नहीं। जो सत्य है वो मेरी आत्मा है, और यदि आप मेरी आत्मा का अभिवादन चाहते हैं तो मेरी आत्मा में उसी का अंश है जो आप स्वयं हैं, अर्थात हम एक ही तत्व हैं। तो फिर कौन बड़ा और कौन छोटा? तो मैं उठकर आपको क्यों प्रणाम करूं? मैं तुम्हारे तत्व ज्ञान से प्रभावित हुआ। मेरी इच्छा है कि तुम मेरे पुत्र के रूप में जन्म लो। धन्यवाद प्रभु, आपका ही पुत्र बनकर जन्म लेना तो मेरा सौभाग्य होगा। अर्थात केवल आपका पुत्र नाथ? महादेव की लीला तो अपरंपार है, और उनको तो ये पूर्व से ही ज्ञात था कि देवताओं को महादेव और माता पार्वती के पुत्र को लेकर संशय होगा। और ये भी ज्ञात था उन्हें कि देवता मात्र उनके अंश से उत्पन्न पुत्र का अनुरोध करेंगे। इसीलिए महादेव ने पूर्व से ही सनत कुमार को उनके पुत्र के रूप में जन्म लेने का वरदान दे दिया था। इस प्रकार महादेव ने अपने दोनों वरदानों की मर्यादा रखी, एक जो उन्होंने सनत कुमार को दिया था और दूसरा जो उन्होंने देवताओं को प्रदान किया था। किंतु उन्होंने माता पार्वती को भी वरदान दिया था, तो फिर उसका क्या हुआ ब्राह्मण देवता? जब माता पार्वती को ज्ञात हुआ कि महादेव ने देवताओं को क्या वचन दिया है, तो वो अत्यंत कुपित हुई, और फिर उन्होंने भी देवताओं को उनकी पत्नियों के संयोग से कभी कोई संतान उत्पन्न ना होने का कठोर श्राप दे दिया, वही वरदान जो देवताओं ने महादेव से मांगा था। तो क्या माता के इस श्राप के कारण देवताओं की कभी कोई संतान नहीं हुई? माता पार्वती का श्राप था कि देवता अपनी पत्नियों के योगदान से संतान उत्पन्न करने में असमर्थ होंगे, किंतु परोक्ष रूप में वो संतान प्राप्त कर सकते थे, इसलिए भविष्य में अपनी ऊर्जा को एक पात्र में स्थित कर वो ऐसा करेंगे कि पांडवों का जन्म इसी विधि से होगा। जब देवराज इंद्र, यमराज और वायुदेव अपनी ऊर्जा देवी कुंती को प्रदान करेंगे और उनकी ऊर्जा से क्रमशः महान धनुर्धारी अर्जुन, धर्मराज युधिष्ठिर और महाबली भीम उत्पन्न होंगे। एक नारी होने के नाते
मैं माता पार्वती की पीड़ा समझ सकती हूँ, किंतु फिर माता का उग्र रूप कैसे शांत हुआ ब्राह्मण देवता? माता को तो एकमात्र महादेव ही शांत कर सकते थे, और उन्होंने माता को एक आश्वासन दिया। स्वामी, एक नारी के लिए इससे बड़े दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है भला? उनका वरदान मेरे लिए श्राप के समान है। मुझसे मेरे मातृत्व का सुख छीन लिया उन सभी। उमा, हम जगत पिता और जगत माता हैं, और देवता भी तो हमारी ही संतानें हैं। उनकी रक्षा भी हमारा ही दायित्व है, जो तभी संभव होगा जब हमारा ये पुत्र मेरे ही अंश से उत्पन्न हो। किंतु मेरी ऊर्जा से जीवन प्राप्त करने पर भी उसके जन्म में आपका भी सहयोग होगा, आपका भी अंश समाहित होगा। पार्वती, हमारे पुत्र पर आपका भी उतना ही अधिकार होगा जितना मेरा। स्वामी, क्या यह संभव है? किंतु कैसे? मुझ पर विश्वास रखिए उमा। और फिर कुमार कार्तिकेय के जन्म का समय निकट आ गया। योगीश्वरो महासेनः कार्तिकेयो अग्निनंदनः संग्रह कुमार सेनानिः स्वामी शंकर संभव। महादेव की उस ऊर्जा शक्ति को संभालने का प्रयास सर्वप्रथम भूदेवी ने किया, तत्पश्चात वायुदेव और फिर अग्निदेव। किंतु सभी देव अपनी असीम शक्ति लगाने के पश्चात भी उस ऊर्जा को संभालने में अक्षम रहे। महादेव की ऊर्जा को संभाल पाना तो माता गंगा के लिए भी असंभव प्रतीत हो रहा। महादेव की ऊर्जा को सह पाना सभी के लिए असंभव। इस प्रकार उनके पुत्र का जन्म कैसे संभव? अब कैसे होगा ताड़कासुर का वध? मेरी ऊर्जा उचित गंतव्य पर पहुंची है। सरकंडूप ही उसे संभाल पाने में सक्षम है। योगीश्वरो महासेनः कार्तिकेयो अग्निनंदनः संदह कुमारः सेनानिः स्वामी शंकर संभव। कौन है ये दिव्य सुंदर शिशु जो अपने सुंदर नेत्रों से हमें देख रहा है?
प्रतीत हो रहा है जैसे वो हमें पुकार भी रहा है। हमें वहां जाना चाहिए। दिव्य शिशु तो महादेव पुत्र है। जब सारे देवताएं महादेव का ऊर्जा संभालने का प्रयास कर रहे थे तो मेरी दृष्टि उन पर गई थी और ये सुंदर शिशु महादेव की ऊर्जा से उत्पन्न हुआ है। सरकंड धूप तो आपका ही स्वरूप है, इसलिए मेरी ये संतान तो आपकी भी संतान है। मेरा पुत्र भूखा होगा, मुझे उसे आहार देकर उसका पोषण करना चाहिए। इसे तो भूख लगी है, इसलिए रुदन कर रहा है। ये शिशु तो महादेव और माता पार्वती के वात्सल्य का अधिकारी है, किंतु ऐसे निराहार इसे कैलाश कैसे भेज दे? नहीं, हमें इसका पोषण करना चाहिए, इसे आहार प्रदान करना चाहिए। उमा, मुझे ज्ञात है आप अपने पुत्र को अपने आंचल में भरकर उसे सस्नेह आहार देने के लिए आतुर हैं, किंतु आपका पुत्र कीर्तिकाओं को अपना आहार प्रकट करने की अनुमति दे रहा है, उन्हें आशीष दे रहा है, जिसके उपरांत वह आपके पास कैलाश आ जाएगा। उमा, आप जिसे एक नवजात शिशु के रूप में देख रहे हैं वो महायोद्धा बनकर कैलाश पहुंचेगा। उमा, आप शीघ्र ही कैलाश में आगमन होगा, तो क्या आप उसके लिए समुचित व्यवस्था नहीं करेंगी? आप सर्वथा उचित कह रहे हैं नाथ। मेरा पुत्र कैलाश आने वाला, मुझे जाकर उसके लिए आवश्यक व्यवस्था करनी चाहिए। बस बस पुत्र, मैं अभी तुम्हें दुग्धपान करा देती हूँ। अरे अरे अरे, अब क्या तुम ही इस बालक पर अपना सारा स्नेह न्योछावर करोगी? हमें भी तो इसे दो। अरे अरे, एक ही समय में हम सभी एक बालक को कैसे आहार दे सकती हैं? योगीश्वरो महासेनः कार्तिकेयो अग्निनन्दनः स्कन्दः कुमारः सेनानिः स्वामी शंकर संभव। महादेव पुत्र, इस शिशु ने 6 शीश धारण कर लिया हमारे लिए, हम कृतार्थ हुए। अब हम सब इसे आहार प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि ये क्षणानंद है। इस प्रकार उन महायोद्धा महादेव पुत्र कुमार कार्तिकेय का जन्म हुआ, जो भविष्य में
अवतार का सुर का वध करने वाले थे। तो अब तो देवता चिंता मुक्त होकर आनंदित हो गए होंगे। नहीं, देवराज इंद्र अभी भी सशंकित थे। अपने शिशु रूप में भी कितने दिव्य और तेजस्वी हैं महादेव पुत्र, पर है तो वो शिशु ही। मैं समझने में असमर्थ हूं, ये शिशु तारकासुर से युद्ध कैसे कर सकता है? इंद्रदेव सर्वथा उचित कह रहे हैं। उस महाकाय महाबली असुर तारकासुर से युद्ध करने के लिए महादेव पुत्र अभी कहां सामर्थ्य होंगे? तो क्या हमें अभी और प्रतीक्षा करनी होगी इनकी आयु की वृद्धि की, इनकी शिक्षा प्राप्ति की? अनंत प्रतीक्षा तो अब ऐसा नहीं होती जा रही है। देव पुत्र तो किशोर हो गए, किंतु ये तो मुझे अभी भी सुकुमार ही प्रतीत हो रहे हैं। ये भी उचित है, जिस भयंकर तारकासुर के समक्ष कोई देवता भी नहीं टिक सका, उसका सामना कैसे करेंगे कुमार? नहीं समझ रहे महाराज, जिनका जन्म हुआ है उनके समक्ष आप कदापि नहीं टिक सकेंगे। नियति निर्धारित है, अब तो आप इस सत्य को स्वीकार कीजिए महाराज। बहुत अभिमान था ना आपको अपने विश्वास पर, किंतु स्वयं को सुरक्षित रखने की आपकी सभी योजनाएं असफल रहीं, और फिर अब तो महादेव का पुत्र भी उत्पन्न हो गया है, जिससे सर्वथा अनुचित प्रमाणित हुआ है आपका विश्वास महाराज। और वो महादेव पुत्र ही आपका काल बनेगा, और वो महादेव पुत्र ही आपका काल बनेगा। का तो सर्वनाश होगा ही, किंतु इन सभी का सर्वनाश होगा, और इस सर्वनाश से मैं भी सुरक्षित नहीं रहूंगा, मेरा भी अंत होगा। आया आपका काल महाराज, आप ही नहीं टिक सकेंगे उसके समक्ष। काल हो तुम्हारा, शीघ्र जन्म लेकर तुम्हारा वध करूंगा मैं। वो
मूर्ख, भेरू, कैसे असुर हो तुम? असुरों की भावी पीढ़ियां असुरों के नाम पर कलंक के रूप में स्मरण करेंगी तुम्हें। मुझसे ऐसे दुर्वचन कहने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? विजयदान! जी महाराज। पंचा को बुलाओ। जी महाराज। पंचा, पंचा, पंचा। अब ये पंचा कौन है? एक और कार्तिकेय तारकासुर का संहार करने के लिए जन्म ले चुके थे, तो वहीं दूसरी ओर तारकासुर ने भी कार्तिकेय को क्षति पहुंचाने की मंशा से अपने असुर पंचा का आवाहन किया। नियति निर्धारित है, किंतु प्रत्येक कार्य अपने समय आने पर ही घटित होता है, इसलिए धैर्य आवश्यक है। पंचा, पंचा! ये वध करेंगे उस महादेव पुत्र का। जाओ, महादेव पुत्र का अंत करके लौटो। इस हफ्ते की कहानी में देखिए कि कैसे कुमार कार्तिकेय को मिला उनका वाहन मयूर।